देश में हिजाब को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम से मंगलवार को एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। बुर्के में नजर आ रही इस विदेशी महिला ने एक टैक्सी ड्राइवर पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया और भागने लगी। इत्तेफाक से मौके पर पुलिस की पीसीआर वैन मौजूद थी। पुलिस ने पीछा करके महिला को पकड़ लिया, लेकिन महिला लगातार पुलिस वालों से उलझती रही और भागने की कोशिश करती रही। इस दौरान उसने एक महिला पुलिसकर्मी पर हाथ भी उठा दिया, जिसका उसे जवाब भी मिला। क्या था पूरा घटनाक्रम? ये घटना सुबह करीब 11 बजे की बताई जा रही है। रघुराज नाम का ये टैक्सी ड्राइवर राजीव चौक से गुजर रहा था। उसी दौरान सड़क पर बुर्का पहने इस महिला ने उसे रुकने का इशारा किया। जब टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी रोकी और महिला से पूछा कि कहां जाना है, इसी दौरान महिला ने चाकू से टैक्सी ड्राइवर पर हमला कर दिया और उसे घायल करके भागने लगी। रघुराज नाम का ये ड्राइवर उतरकर महिला के पीछे दौड़ पड़ा। पीसीआर से कुछ पुलिस कर्मी भी महिला के पीछे भागे और उसे धर लिया गया। इस दौरान मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई। हैरानी की बात यह है कि कैब ड्राइवर का दावा है कि वो इस महिला को जानता तक नहीं। महिला ने उसे चाकू क्यों मारा, ये उसको भी समझ नहीं आ रहा। गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा। तो इस बार मैंने बैठा रखी थी आनंद बिहार की, ये पीछे से आई थी, मुझे लगा कहीं जाने के लिए पूछेगी, तो इधर उधर देखा ऐसे, मैं क्या काम है, चाकू मारा और भाग ली। अच्छा। कुछ नहीं, पीछे से आई थी, इधर उधर देखा, मेरी तरफ देखा और ऐसे कर देख कर चकमा भाग ली। गाड़ी मेरी तो मैं गाड़ी में बैठ रही है, गाड़ी मेरी किराए की गाड़ी है, मैं रेंट पे गाड़ी लेकर चला। कुछ नहीं, मुझे नहीं पता कौन है, कहाँ से आई है, आई थी और इसने मुझे यहाँ चाकू मारा होगा। इसके पास में इतना बड़ा पतला सा वो था खंजर, बहुत पतला सा था, करीब होगा आधे इंच के आसपास, जैसे में गांव है ये। इसने मारा और ऐसे भाग ली, मैं इसके गाड़ी छोड़ के पीछे पीछे आ रहा था, रोकने की कोशिश की तो फिर भागी मेरे पीछे, फिर मैंने पत्थर उठाया था तो फिर आ रही है, फिर इसने आस पास कहीं फेंटा है और उसके बाद फिर मैं पकड़ने की कोशिश करता, इसने मेरा मुंह ऐसे छिए नाखून मारा। करीब 20 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया। महिला ना हिंदी बोल पा रही थी और ना ही अंग्रेजी, वो किसी विदेशी भाषा में बात कर रही थी और पुलिस द्वारा पकड़े जाने का लगातार विरोध कर रही थी। पुलिस महिला को थाने ले गई, जहां उससे अब आगे की पूछताछ किसी इंटरप्रेटर की मदद से की जाएगी। शुरुआती जानकारी ये मिली है कि महिला मिस्र की रहने वाली है, लेकिन अभी तक पुलिस को उसके पास से कोई पासपोर्ट, वीजा या कोई दूसरा आधिकारिक दस्तावेज नहीं मिला है। NBT ऑनलाइन के लिए गुरुग्राम से योगेश कुमार की रिपोर्ट।